वेलकम गाइस, आईटीएल पर वीडियो में आईटेल का ए 26 और ए 571 एल, तो इसको आप कैसे हैंग टच की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे वो मैं बता देता हूँ। बहुत इजी है। पहला आपको जो है ये वॉल्यूम अप डाउन बटन प्रेस करेंगे तो इससे भी जो है ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो प्रॉब्लम फिर आ जाती है, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन जो स्टेप मैं बता रहा हूँ सेम फॉलो करेंगे तो ये जो है आपका ये हैंग टच वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। अभी देखिए मैं टच कर रहा हूँ तो ये काम ऊपर वाला बॉक्स कर रहा है, ठीक है। तो हमें फ़ोन की सेटिंग में आना है, इसमें आप टू फिंगर चला के यूज़ करेंगे तो ये आपकी टच काम करने लगेगी। आपको सेटिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, इस पर डबल प्रेस करेंगे तो ऑप्शन खुल जाएगा। आपको स्लाइड करके दोनों फिंगर से सबसे नीचे आना है ये वाले उस वाले ऑप्शन में सेटिंग के सिस्टम के, तो इस पर डबल प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। फिर हम टू फिंगर से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन होगा, आपको इसको सिलेक्ट करके डबल प्रेस कर देना है। और यहाँ पे ये टॉल बैक वाला ऑप्शन है, आपको इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको डबल प्रेस करके स्टॉप कर देना है। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो गई है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।